है, कौन है ये लोग और किस मकसद से पिस्टल लेकर आए थे? इसमें जो दो अभियुक्त है, एक महिला अभियुक्त है श्वेता सूर्यकांत लाड़, और दूसरा जो है वो आलम शेर मोहम्मद खान। ये दोनों भी कांदिवली एरिया के नामचीन गुनहगार है। आलम खान के ऊपर इसके पहले कांदिवली चारकोप और एमएचबी पुलिस स्टेशन के अंतर्गत 10 से 12 मामले दर्ज हो चुके हैं। उसके ऊपर प्रिवेंटिव एक्शन भी हो चुका है। और ये श्वेता जो है उसके ऊपर भी कांदिवली पुलिस स्टेशन में इसके पहले 3 केसेस है। एक एरिया में ये लोग हथियार के साथ घूम रहे हैं, ऐसा इन्फॉर्मेशन कांदिवली पुलिस स्टेशन के डिटेक्शन ऑफिसर सूर्यकांत पवार को मिला था। ये वाकिया है 9 तारीख के रात का। जैसे ही उनको इन्फॉर्मेशन मिला, वो इन्फॉर्मेशन उन्होंने सुपीरियर ऑफिसर्स सीनियर पीआई दिनकर जाधव कांदिवली पुलिस स्टेशन, मैं एसीपी शैलेंद्र दीवार और डीसीपी सर विशाल ठाकुर साहब और हमारे एडिशनल सीपी वीरेंद्र मिश्रा साहब से ये इन्फॉर्मेशन शेयर की गई। और वरिष्ठों के प्लानिंग के हिसाब से डिटेक्शन ऑफिसर और एक टीम बनाकर लालजीपाड़ा एरिया में हमने जो ट्रैप लगाया था, वो ट्रैप में दोनों को भी गिरफ्तार कर लिया है। और उनके पास से एक देसी बनावट का पिस्तल और 2 लाइव राउंड्स मिले हैं। उनके ऊपर आर्म एक्ट के तहत मामला दर्ज हो चुका है। ये दोनों कौन हैं और इनका बैकग्राउंड क्या है? इसके पहले भी कुछ केसेस दर्ज है मतलब? ये दोनों भी लोकल क्रिमिनल्स हैं, और इसके पहले इनके ऊपर रॉबरी, एचबीटी और थेफ्ट के गुने दाखिल हैं। कांदिवली पोलीस स्टेशनच्या हद्दीमध्ये आदम शेर मोहम्मद खान नावाचा एक गुन्हेगार आहे, ज्याच्यावरती कांदिवली चारकोप आणि एमएचबी पोलीस स्टेशनमध्ये मिळून 12 ते 14 सिरियस गुन्हे नोंद झालेले आहेत। हा रेकॉर्डवरचा आरोपी आहे। 8:08 रात्री हा लालजीपाडा परिसरामध्ये फायरआर्म घेऊन त्या ठिकाणी फिरत असल्याची खात्रीलायक माहिती कांदिवली पोलीस स्टेशनचे डिटेक्शन ऑफिसर सूर्यकांत पवार यांना मिळाली होती। सदरची माहिती त्यांनी वरिष्ठ पोलीस निरीक्षकांना सांगितल्यानंतर आमच्या डीसीपी श्री विशाल ठाकूर साहेब, ॲडिशनल सीपी श्री वीरेंद्र मिश्रा साहेब आणि मी एसीपी, आम्हाला ही माहिती शेअर करण्यात आली। त्यानुसार एक पथक तयार करून लालजीपाडा परिसरामध्ये सापळा रचण्यात आला होता। त्या सापळ्यामध्ये तो फायरआर्मसह मिळालेला आहे। त्याच्याकडून देशी बनावटीचं पिस्तल आणि 2 लाईव्ह काडतूस मिळालेले आहेत। त्याला या गुन्ह्यामध्ये अटक करण्यात आलेली आहे। दोन्ही आरोपी कोण आहे आणि यांच्या पार्श्वभूमी काय आहे? आरोपी आलम शेर मोहम्मद खान आणि त्याची असोसिएट आहे श्वेता सूर्यकांत लाड, हे दोघेही क्रिमिनल आहेत। दोघांवरतीही यापूर्वी गुन्हे दाखल झालेले आहेत।